देश में इन दिनों चुनावी बॉन्ड को लेकर सियासी हलचल तेज है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने रविवार को सभी राजनीतिक दलों द्वारा सौंपे गए सैकड़ों सीलबंद लिफाफों के बारे में खुलासा किया। इस खुलासे में चुनाव आयोग ने बताया कि किस पार्टी ने कितने चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं और ये उन्हें किस कंपनी या व्यक्ति ने दिए थे। हालांकि रविवार को जो जानकारी सामने आई वो भी बड़ी कमाल की है। कई पार्टियों ने बताया कि कोई उनके ऑफिस में बॉन्ड रख गया, तो कई ने बताया कि उन्हें डाक द्वारा बिना किसी नाम के चुनावी बॉन्ड मिले। वहीं कई दलों ने तो तमाम कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए चुनावी बॉन्ड देने वालों की जानकारी देने से ही इनकार कर दिया। इलेक्ट्रोलर बॉन्ड से मिलने वाले चुनावी चंदे के बारे में रोचक जानकारी बिहार से आई, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी का दावा है कि उनके कार्यालय में लिफाफे में बंद 10 करोड़ रुपए मूल्य के बॉन्ड अनजान व्यक्ति से आई पार्टी ने कहा कि इस बॉन्ड को बुनाने के बाद पूरे पैसे चंदे के तौर पर जदयू के खजाने में जमा हुए। इस दिलचस्प फाइलिंग में पार्टी के बिहार कार्यालय ने बताया कि उसे 3 अप्रैल 2019 को अपने पटना कार्यालय में प्राप्त बॉन्ड के दाताओं के विवरण के बारे में जानकारी नहीं थी और ना ही उसने जानने की कोशिश की, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं था। चुनावी बॉन्ड को लेकर तमिलनाडु की पार्टी डीएमके ने बताया कि उसे सबसे ज्यादा चंदा एक लॉटरी फार्म के जरिए मिला। तमिलनाडु की पार्टी को फंड का लगभग 70% लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के फ्यूचर गेमिंग से प्राप्त हुआ। डीएमके के अपनी फाइलिंग में बताया गया कि चुनावी बॉन्ड के लिए दान प्राप्तकर्ता को दानकर्ता का विवरण देने की भी आवश्यकता नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए हमने अपने दानदाताओं से संपर्क किया है। वहीं बीजेपी ने विभिन्न कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए इस बात की जानकारी नहीं दी कि उसे किससे चुनावी बॉन्ड मिले। देश की सत्तारूढ़ पार्टी ने इसके लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आयकर अधिनियम के संबंधित हिस्सों का हवाला दिया। बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड को लिखे अपने पत्र में कहा कि ये विधिवत बताया गया है कि चुनावी बॉन्ड को केवल राजनीतिक फंडिंग में धन का हिसाब किताब लाने और दानदाताओं को किसी भी परिणाम से बचाने के उद्देश्य से किया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी फाइलिंग में गजब की कहानी सुनाई है। सपा ने 1 लाख रुपए और 10 लाख रुपए की राशि वाले बॉन्ड की जानकारी तो दी है, लेकिन बड़ी रकम वाले बॉन्ड को लेकर कहा कि उसे 1 करोड़ रुपए तो 10 बॉन्ड डाक के जरिए मिले हैं। ये बॉन्ड किसने भेजे हैं इसकी जानकारी उसके पास नहीं है, क्योंकि ये बिना किसी नाम पते के भेजे गए थे। कुछ ऐसे ही जानकारी टीएमसी ने भी दी है। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी फाइलिंग में बताया कि चुनावी बॉन्ड उसके कार्यालय में भेजे गए थे। पार्टी ऑफिस के ड्रॉप बॉक्स में कुछ चुनावी बॉन्ड डाल गया था। इसके अलावा टीएमसी ने यह भी बताया कि कुछ लोगों ने भी उन्हें कुछ बॉन्ड भेजे थे। इनमें से कई गुमनाम रहना पसंद करते हैं। इसी तरह तेलुगु देशम पार्टी और बिहार की राजद ने दानदाताओं के नाम नहीं बताए हैं। दोनों ने कहा कि उसके पास इसकी तत्काल कोई जानकारी नहीं है। वहीं शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने भी दानदाताओं की जानकारी देने में असमर्थता जताई। पार्टी ने कहा पार्टी ने दान की कोई जानकारी नहीं रखी है। एनसीपी द्वारा चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा गया कि उसके कई पदाधिकारी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। ऐसे में जहां भी संभव हुआ हमने उस व्यक्ति का नाम बताया है जिसके माध्यम से पार्टी को बॉन्ड प्राप्त हुए हैं।